ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए पहली गेंद टिप्पा के तोड़ से नीचे रहती हुई गेंद अजीत की खेलने की कोशिश जरूर की थी। बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है अजीत ने। अगली गेंद अजीत की, इस बार टिप्पा के हल्के से उछलते हुए गेंद को छेड़छानी करने की कोशिश की, गेंद चली गई गली के क्षेत्र में, गली के क्षेत्र में। तब तक मौका था एक रन चुराने का, एक रन के साथ ही स्कोर चला गया दो रन पर। अब हाई स्ट्राइक के लिए धीरज सीधे बल्ले से खेल दिया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई, एक्स्ट्रा कवर को पार करते हुए चार रनों के लिए। यहाँ धीरज के लिए प्राइज भी आया है, तीन गेंदों में अगर तीन छक्के लगा देते हैं धीरज तो 1000 का प्राइज आया है शुभम की ओर से। अजीत की अगली गेंद, इस बार धीरज के बल्ले से निकलता हुआ सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑफ को पार करते हुए चार रनों के लिए। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए धीरज चौके के रूप में उस गेंद को तकदीर करने में कामयाबी हासिल की। इस चौके के साथ ही साथ स्कोर चला गया है 9 रन अजीत की अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उछली हुई गेंद थी, बढ़िया खेला था, पॉइंट पर चुस्त फील्डर प्रवेश वहीं मौजूद थे, रन की कोई गुंजाइश नहीं बनेगी, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की। इसी एक रन के साथ स्कोर चला गया है डबल फिगर में चला गया स्कोर। अजीत की अगली गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए। डॉट के साथ ही साथ पहली ओवर की समाप्ति होते हुए यहां पर, और पहली ओवर समाप्त होने के बाद बिना कोई विकेट खोए 10 रन बटोरे फसकाली ओरियस ने। डीजे का काम संभाल रहे हैं विशाल मेरे सहयोगी। फिलहाल पालोली मोरियस की ओर से दूसरी बॉल लेके आए शाइश कामत, चुस्त खिलाड़ी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद टिप्पा के तेज चली गई है कीपर के दस्तानों में, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए शाइश। दूसरी ओवर की पहली गेंद तो डॉट निकाल दी है, फिर एक बार तैयार शाइश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस बार राजदीप ने खेल दिया है कवर की दिशा में, डीप कवर पर फील्डर मौजूद थे रजत के रूप में, एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा राजदीप को, और इस एक रन के साथ एक रन का इजाफा होते हुए फसकाड़े ओरियस के खाते में 11 रन हो चुके हैं बिना कोई विकेट खोए। अब स्ट्राइक चला गया धीरज के पास, धीरज के लिए यहाँ पारितोषिक भी रखा हुआ है, अगर तीन गेंदों में तीन छक्के लगा देते हैं तो 1000 का प्राइज रखा है शुभम ने। यहाँ पर पहली गेंद धीरज खेलते हुए डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है, काफी बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए शाइश कामत। अगली गेंद इस बार फ्लिक कर दी है स्क्वायर कट के रूप में, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
चषक की। फिलहाल शाइश अगली गेंद, तेज गेंद और इस बार पॉइंट की दिशा में खेल दिया है। डीप पॉइंट पर रजत मौजूद है, लंबे खिलाड़ी है रजत और बढ़िया फील्ड होती हुई। तब तक मौका था एक रन चुराने का और एक रन के साथ फिर एक बार स्कोर में वृद्धि होती हुई 16 रन हो चुके हैं बिना कोई विकेट खोए। टॉस जीतकर टॉस जीती थी पालोले मोरियस ने आमंत्रित की थी बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट काले ओरियस को। इस बार बढ़िया गेंद और काफी बेहतरीन कैच पकड़ी है फॉलो थ्रो पे। मैं यही बात कर रहा हूं, इसकी जो बॉडी मूवमेंट है शाइश कामत की काफी बढ़िया है और वही नतीजा यहां दिखते हुए काफी बढ़िया कैच पकड़ी और पहला झटका देने में कामयाबी हासिल किया राजदीप के रूप में। तेज गेंद पॉइंट की दिशा में मोड़ दिया है, फील्डर प्रवेश वहां मौजूद है। जब तक प्रवेश उस गेंद को गैदर करे, मौका था एक रन चुराने का, एक रन चुरा लिया है धीरज ने और एक रन के साथ एक रन का इजाफा होते हुए 17 रन हो चुके फर्स्ट काले ओरियस के। अब स्ट्राइक पर आए नए बल्लेबाज मल्लेश, एक रन तो चुरा लिया है, बढ़िया तालमेल के साथ रन चुरा लिया है। एक रन के साथ एक रन का इजाफा होते हुए फर्स्ट काले ओरियस के खाते में। मंजश की अगली गेम राइट आर्म ऑफ द विकेट, इस बार स्टेप आउट करके खेला है, स्ट्राइक ओवर की दिशा में गेंद चली गई हवा में, अजीत उसके नीचे है और अजीत ने कोई गलती नहीं की। धीरज का विकेट का पतन होते हुए दूसरा झटका लगते हुए फर्स्ट काले बॉयज को। सात स्कोर में वृद्धि होती हुई, स्कोर चला गया 24 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 विकेट खो चुके फर्स्ट काली ओरियस और स्कोर है 24 रन। मंजेश की अगली गेंद राइट आर्म ऑफ द विकेट, इस बार बढ़िया गेंद, उस गेंद को कलाइयों के साथ मोड़ दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक अब प्रवेश उस गेंद को गैदर करे, तब तक मौका था दो ही बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने का, एक रन के साथ स्कोर चला गया क्वार्टर सेंचुरी। तीसरी ओवर जारी है पालोले मोरियस की ओर से, टॉस जीतकर अब पहले गेंदबाजी करने का निर्णय पालोले मोरियस का। मंजेश की अगली गेंद राइट आर्म ऑफ द विकेट, बढ़िया गेंद टिप्पा के नीचे रहती हुई गेंद और इस डॉट के साथ ही साथ तीसरी ओवर की समाप्ति होती हुई यहां पर और तीसरी ओवर समाप्त होते के बाद 2 विकेट खोकर 25 रन। चौथी ओवर लेके आए पालोले मोरियस की ओर से लंबे पतले गेंदबाज रजत और स्ट्राइक पर है मल्लेश, फील्डिंग की सजावट करते हुए स्ट्राइक और पॉइंट लॉन्ग ऑफ।
बढ़िया गेंद टिपा के उछलते हुए गेंद छेड़छाड़ करने की कोशिश जरूर की थी, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए रजत फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग पर, राइट आर्म राउंड विकेट, बढ़िया गेंद और काफी बढ़िया पॉइंट और कवर के बीच में सिकंदर में कामयाबी हासिल की है मल्लेश ने। गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए चार रनों के लिए, चौके के साथ साथ स्कोर में भी वृद्धि होती हुई, स्कोर चला गया है 29 रनों पर। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद और बढ़िया खेल दिया उस गेंद को, पॉइंट और कवर के बीच में निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए मल्लेश। रजत की अगली गेंद, इस बार मल्लेश ने प्रहार किया है, स्ट्रेट ड्राइव के रूप में गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। लगातार दो गेंदों में दो प्रहार करते हुए पहले खेला था पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रनों के लिए, उसके बाद सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव के रूप में प्रहार किया है मल्लेश ने छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होते हुए, स्कोर चला है 35 रनों पर, 35 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हवा में गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और सीधी चली गई अजित के हाथों में और मल्लेश के विकेट का पतन होते, मल्लेश की पारी खत्म होती हुई और 3 झटके लगने लग चुके फर्स्ट काले ओरियस को। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद, सफलता तो प्राप्त की है रजत ने। मैं अंपायर से दरख्वास्त करता हूं कि जल्दी से जल्दी मैच शुरू कीजिएगा प्लीज। रजत फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मन पर, राइट आर्म राउंड विकेट, बढ़िया गेंद टिपा के उछलते हुए गेंद खेलने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकाल दी है रजत ने, थोड़ा बढ़िया कम व्यक्त करते हुए सफलता के बाद रजत फिर एक बार तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार अक्षय ने प्रहार किया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। इस चक्के के साथ ही साथ चौथी ओवर की समाप्ति होती हुई और चौथी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 3 विकेट खोकर 41 रन बटोरे फर्स्ट काले वॉरियर्स ने। आखिरी बॉल लेके आए समीर, बढ़िया गेंद समीर की, बल्ले का चुम्मा लेती हुई गेंद चली गई है केविन लोबो के हाथों में और एक झटका लगता हुआ फर्स्ट काले ओरियस को, पहली गेंद का सामना करते हुए वापस चले गए हैं पेविलियन में बिना कोई योगदान देते हुए अपने टीम के लिए। इकतालीस रनों पे 4 झटके देने में कामयाबी हासिल की है समीर फिर एक बार तैयार, राइट आर्म ऑफ द विकेट और आते आते ही प्रहार किया है, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधी टेरेंस लोबो के हाथ में और दूसरी विकेट का पतन होते हुए यहां पर।
नए बल्लेबाज आए, फिलहाल नौ स्ट्राइक इन पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक चले गए अक्षय के पास। दो गेंदों में दो सफलता तो प्राप्त की है समीर ने। तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और द विकेट अक्षय के लिए। और तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड होते हुए और पहली हैट्रिक बनाने में कामयाबी हासिल की है समीर ने। बाद का बाढ़ संभालने के लिए तीन गेंदों में तीन सफलता हैट्रिक बनाने में कामयाबी हासिल की है। उछलती हुई गेंद, गेंद चली गई है केविन लोबो के हाथों में और चौथी गेंद पर चौथी सफलता प्राप्त कर चुके हैं समीर पागी। चार गेंदों में चार विकेट हासिल करने के बाद पांचवी गेंद पर एक रन बटोरा है और एक रन के साथ स्कोर चला है 42 रनों पर, विकेट खो चुके हैं सात। समीर की अगली गेंद और रन की गुंजाइश में रन आउट यानी आठ विकेट खोकर 42 रन बटोरे फर्स्ट काली वॉरियर्स ने 43 रनों का लक्ष्य रखा है पालोले मोरियस के पास पस्काले ओरियस ने। मैं दरख्वास्त करता हूँ फसकाली ओरियस के खिलाड़ियों से कि जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग की सजावट कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि भगवान सूर्य देवता नीचे जाते हुए अंधेरा अपना साम्राज्य फैलाते हुए यहाँ पर आज के दिन की ये आखिरी मैच है, आखिरी इनिंग है। पहले बल्लेबाजी करते हुए फसकाली ओरियस ने 42 रन बटोरे, 43 रनों का लक्ष्य रखा है पालोले मोरियस के पास और पालोले मोरियस की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए सुरेंद्र और शाइश कामत। आज के दिन की ये आखिरी मैच है और ए राउंड की मैच संडे को खिलाई जाएगी मॉर्निंग में। दो ही अंपायर गोवा क्रिकेट मान्यता प्राप्त अंपायर है दामू नाइक और आनंद कदम।
आज के दिन की आखिरी मैच है ये। पहले बल्लेबाज करते हुए 42 रन बटोरे, 43 रनों का लक्ष्य रखा है पालोले मोरियस के पास और फसकाली ओरियस की ओर से गेंदबाजी का बाढ़ संभाल रहे है। प्रजय स्ट्राइक ले रहे हैं सुरेंद्र, अंपायर का इशारा आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है। 43 रनों का लक्ष्य पारोलेम ओरियस के पास। पहली गेंद, तेज गेंद, बड़ा प्रहार करना चाहते थे सुरेंद्र, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है प्रजय ने। पहली गेंद तो डॉट निकाल ली है प्रजय ने, अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट गेंद और प्रहार किया है, गेंद चली गई है स्ट्रेट ड्राइव के रूप में 6 रनों के लिए। राइज उस गेंद को खेलने में कामयाबी हासिल की। अगली गेंद, शॉर्ट गेंद और लॉन्ग ऑन को पार किया गेंद ने 6 रनों के लिए। दो गेंदें मिली थी और दो ही गेंदों में बड़ा प्रहार करते हुए दो गेंदों में दो छक्के के साथ ही साथ स्कोर तेजी से बढ़ता 12 रन। फिर एक बार तैयार प्रजय अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट सुरेंद्र के लिए। काफी बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल लाइन गेंद, छोटा हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए यहां पर मिड ऑन की दिशा में। एक रन तो जुड़ चुका है सुरेंद्र के खाते में, एक रन के साथ स्कोर चला गया 13-13 रन पर। अब आए हैं शाइश कामत, ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज है, स्पोटक बल्लेबाज है, एक्टिव क्रिकेटर है, ये बढ़िया क्रिकेटर है। फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए पावर प्ले वो चल रही है, पहली ओवर चल रही है। गेंदबाज है प्रजय, दिशा है राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट गेंद, लॉन्ग ऑन की दिशा 6 रन, पेवलियन के ऊपर से गेंद चली गई है और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में तेजी आती हुई, स्कोर चल गया 19 रनों पर बिना कोई विकेट खोए। काफी बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए शाइश कामत। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, उस गेंद को खेल दिया, कवर की दिशा में गेंद चली गई, कवर को पार करते हुए 4 रनों के लिए और चौके के साथ ही साथ पहली ओवर की समाप्ति होती हुई और पहली ओवर समाप्त होने के बाद बिना कोई विकेट खोए 23 रन बटोरे पालोले मोरियस ने। काफी बढ़िया बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए शाइश कामत और सुरेंद्र पागी। दूसरी बॉल लेके आए मल्लेश, फील्डिंग फैल चुकी है, पावर प्ले ओवर खत्म हो चुकी है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया हुआ है, लॉग ऑफ पर फील्डर लगाया हुआ, पॉइंट सर्कल के अंदर खिलाड़ी रखा हुआ है पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर में। डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन एंड लॉन्ग ऑन, फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, फुलटॉस होने के कारण स्क्वेलिग अंपायर ने उस गेंद को नो घोषित कर दिया। कुल मिला के 2 रन बोनस के रूप में जुड़ चुके हैं पालोले मोरियस के खाते में। इस 2 रन के साथ स्कोर चला है क्वार्टर सेंचुरी, क्वार्टर सेंचुरी में हो चुके हैं और अंपायर का इशारा आ चुका है अगली जो गेंद फेंकी जाएगी वो फ्री हिट फेंकी जाएगी। मौका है शाइश कामत के पास अब अपने हाथ खोलने के, फ्री होके खेलने के लिए। फिलहाल खेल दिया शाइश कामत ने, स्ट्रेट ड्राइव के रूप में गेंद चली गई है सीधी कैमरामैन के पास 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 31 रन हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी ये मैच खत्म करना चाहते हैं। बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल लाइन गेंद, उस गेंद को खेल दिया है पॉइंट की दिशा में शाइश कामत ने। एक रन तो जुड़ जाएगा शाइश कामत के खाते में और पालोले मोरियस के खाते में भी। एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 32 रन, 32 रन। अब स्ट्राइक आया है सुरेंद्र के पास, मैच जितना है तो 43 रनों की आवश्यकता है पालोले मोरियस को। शॉर्ट गेंद खिलाया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है और बढ़िया बढ़िया
कैच पकड़ते हुए और पहला झटका देने में कामयाबी हासिल की है पालोले मोरियस को सुरेंद्र पागे के रूप में। सुरेंद्र वापस जा रहे हैं बढ़िया योगदान देते हुए अपने टीम के लिए, जो जिम्मा दिया था सुरेंद्र के कंधों पर उस जिम्मे को पार करते हुए सुरेंद्र वापस जा रहे हैं पेविलियन में। के पास धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ते हुए पालोले मोरियस मल्लेश फिर एक बार तैयार राइट आर्म राउंड विकेट अमन के लिए। बढ़िया गेंद लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ चुका है पालोले मोरियस के खाते में। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर चला गया 35 रन अभी भी दूसरी ओर जा रही है। लेग स्टंप के बाहर काफी बाहर और वाइट, लगातार दो गेंदे अतिरिक्त चली गई, दो रन अतिरिक्त जुड़ चुके हैं पालोले मोरियस के खाते में। इस दो रनों के साथ स्कोर चला 36 रन। फिर एक बार तैयार मल्लेश राइट आर्म राउंड विकेट, बल्लेबाज है अमन कुमार पंत और बढ़िया गेंद इस बार सफल होते हुए मल्लेश क्लीन बोल्ड करने में कामयाबी हासिल की है अमन कुमार पंत को और अमन को चलता किया है डगआउट में। नए बल्लेबाज आए टेरेंस लोबो, फिलहाल नौ स्ट्राइक पे खड़े रहेंगे। स्ट्राइक चले गए शाइश कमत के पास और गेंदबाजी में परिवर्तन होते हुए तीसरी बॉल लेके आए राजदीप तुपकी। सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए पालोले मोरियस को और आगे के राउंड को प्रवेश करने के लिए। जो आगे का राउंड होगा वो संडे को खिलाया जाएगा मॉर्निंग सेशन में। राजदीप तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म राउंड विकेट शाहिश कामत के लिए। रक्षात्मक रन का इस्तेमाल करते हुए शाहिश कामत ने उस गेंद को मोड़ दिया है मिडऑन की दिशा में। फील्ड होते हुए मिडऑन द्वारा एक रन जुड़ चुका है शाहिश कामत के खाते में और पालोले मोरियस के खाते में भी 37 रन हो चुके हैं। धीरे धीरे से लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए पालोले मोरियस अब आए हैं टेरेंस लोबो के पास स्ट्राइक। पहली गेंद का सामना करेंगे और दिशा में भी परिवर्तन होते हुए राजदीप द्वारा टेरेंस ने आते आते ही प्रहार किया है, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ ये मैच जीत लिया पालोले मोरियस ने। कौन मैन ऑफ द मैच बढ़िया जीत हासिल की पालोले मोरियस ने। समीर यहां मैच मैन ऑफ द मैच।